now we take next question 1.10 an electric dipole with dipole moment 4 into 10 the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 the power 4 newton per coulomb calculate the magnitude of the torque acting on the dipole हमें एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसका डायपोल मोमेंट दे रखा है फोर इंटू टेन द पावर माइनस नाइन कोलामीटर ठीठा एंगल थर्टी दे रखा है डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका मैगनी मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव इंटू टेन द पावर फोर न्यूट्रन पर कूलाम हमें कैलकुलेट का करना है टॉर्क टॉर्क फाइंड आउट करना है तो सल्यूशन है वन पॉइंट टेन एन सी आर टी का ठीक है और इसमें सबसे पहले हम नोट करते हैं जो क्वांटिटीज गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चंस में ठीक है तो हमें क्या क्या गिवन है डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से और पी गिवन है हमारे पास फोर इंटू टेन द पावर माइनस नाइन ठीक है कुलॉम मीटर नेक्स्ट क्वांटिटी हमें एंगल दे रखा है ठीटा कितना दे रखा है थर्टी डिग्री और क्या दे रखा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है फाइव इंटू टेन द पावर फोर हमसे टाओ कैलकुलेट कराया है ठीक है तो टाओ इक्वल फार्मूला क्या होता है पी ई साइन थीटा और इसका हम रिलेशन ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं टाओ पी की वैल्यू कितनी है फोर इंटू टेन द पावर माइनस नाइन ई की वैल्यू है फाइव इंटू टेन द पावर फोर और साइन थर्टी साइन थर्टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टेन द पावर माइनस नाइन प्लस फोर और साइन थर्टी की वैल्यू होती है बेटा वन बाई टू ठीक है और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा यानी टेन हो जाएगा टाव इक्वल आ जाएगा टेन द पावर माइनस फोर ठीक है न्यूटन मीटर दिस इज़ योर आंसर